channel. So in today's video, I'll be sharing with you my this festive makeup look. So I have created this Indian makeup look only with 5 products. So you can create this as well. You can wear it to college, and also you can wear this for any function in your house, like puja or any occasion. So yeah, if you are interested, keep on watching this video. So without wasting any more time, let's begin with this video. ओके गाइस, सो मैंने अपना पूरा स्किन केयर रूटीन कर लिया है. सो लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप. सो फर्स्ट मैं अपने हेयर ऊपर टाई कर रही हूँ अच्छे से. उसके बाद मैं फर्स्ट प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ अपना फाउंडेशन. आप कोई सा भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो. मैंने ओलिविया लिक्विड फाउंडेशन यूज़ किया है, और मेरा ब्यूटी ब्लेंडर मिल नहीं रहा था इसलिए मैं हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ. बट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करोगे तो और ज़्यादा फ्लॉलेस लुक आएगा. नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का लूज पाउडर टू सेट माई एंटायर फेस. और गाइज, मैं सारे प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ माइग्लम का कोल. तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कोल है गाइज, लाइक स्मच प्रूफ है, और इससे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लुक आप क्रिएट कर सकते हो. तो मैं अच्छे से अपना वाटर लाइन, अपर वाटर लाइन, लोअर वाटर लाइन और अपने आईलिड पर भी इसको अप्लाई कर रही हूँ, ताकि हम बाद में अच्छे से इसको स्मच कर सकें. सो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस कलर है इसका पे ऑफ. उसके बाद में मैं एक ब्रश की हेल्प से इसको पूरा स्मज आउट करूँगी, बोथ माई अपर एंड लोअर लैश लाइंस. उसके बाद में आप देख सकते हो गाइस कि कितना अच्छा और इंटेंस लुक आ रहा है. इस टाइम पे आप ना ब्राउन आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो इसे और इंटेंसिफाई करने के लिए. तो आप देख सकते हो कि मेरा आई मेकअप कम्प्लीट है. इसके बाद में मैं उसको मस्कारा से अच्छे से टॉप करूँगी पूरा आई मेकअप. मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ बाय मेबिलिन हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा, और अच्छे से 2-3 कोट लगा रही हूँ मस्कारा का, बिकॉज मस्कारा मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर आई लुक. नेक्स्ट आई एम यूजिंग द सेम स्पूली टू कॉम्ब आउट माई आईब्रो, ताकि थोड़ा नीट एंड क्लीन लुक आए. एंड सिमिलरली आई एम रिपीटिंग द सेम स्टेप्स ऑन द अदर साइड एज वेल. आफ्टर दैट कमिंग टू द लिपस्टिक पार्ट, आई एम यूजिंग दिस नायका का मिनी लिपस्टिक इन द शेड 13 Emerald Wine. So as you can see, this is a very nice maroonish wine shade. मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, लाइक इंडियन वेयर पे तो और भी ज़्यादा ये एम्प अप होके दिखता है, तो आई रियली लाइक इट. उसके बाद में आई एम अप्लाइंग द सेम शेड ऑन माई चीक्स एज वेल एज अ ब्लश. तो बहुत मिनिमल कलर में अप्लाई कर रही हूँ, ताकि ज़्यादा डार्क ना हो जाए. सो एकदम हल्के हाथ से मैं इसको एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, और अपने फिंगर के हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ. सो यू कैन सी लाइक अ पॉप ऑफ कलर थोड़ा ये ऐड कर रहा है मेरे फेस पे. सो आई रियली लाइक दिस शाइन एज वेल. उसके बाद में गाइज, आई एम यूजिंग द लास्ट प्रोडक्ट विच इज़ दिस हाईलाइटर. सो आई एम गोइंग टू मिक्स दिस 2 शेड्स, लाइक ऊपर के 2 शेड्स जो है ना, सिल्वर और ये पिंक. मैं दोनों का हमेशा मिक्स करके ही अप्लाई करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे. और मैं इसको अपने पूरे हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पे अप्लाई कर रही हूँ यूजिंग माई फिंगर. उसके बाद आई एम टेकिंग द सेम हाईलाइटर ऑन दिस प्रिसीजन ब्रश, और मैं इसको अच्छे से अपने इनर कॉर्नर्स में अप्लाई कर लूँगी. तो इनर कॉर्नर्स में अप्लाई कर लेने के लिए गाइज, आप फिंगर का यूज़ मत करो, वरना वो ना ज़्यादा फैल जाता है. तो आप ऐसे छोटू सा एक प्रिसाइज ब्रश ले लीजिए, और उसकी हेल्प से अपने इनर कॉर्नर को आप हाईलाइट कर सकते हैं. एंड दिस इज़ हाउ द कम्प्लीट मेकअप लुक्स लाइक. सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी है, लाइक स्मोकी आइज़ आप बहुत ईजीली 5 प्रोडक्ट यूज़ करके अपना ये मेकअप कर सकते हो, एंड फॉर एनी फंक्शन. तो मैंने अभी अपने बाल भी ओपन कर लिए हैं. आप चाहें तो कोई हेयर स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं इस लुक के साथ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा इंडियन आउटफिट विथ सम हेयर स्टाइल. तो मैं अपने पूरे आउटफिट को अच्छे से सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ पेयर कर रही हूँ. सो यू कैन सी दिस इज़ हाउ द कम्प्लीट लुक लुक्स लाइक. बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ईजी है. आप अभी रक्षाबंधन आने वाला है, उसके लिए भी क्रिएट कर सकते हो, या एनी फंक्शन इन योर फैमिली और फेस्टिवल्स. सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Thanks for watching this video guys. I hope you liked it. If you did, don't forget to like, share and subscribe to my channel for more such videos. So yeah, I will see you in my next video. Till then, bye.